हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएपी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 77, जहां पर हम नरेशन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में क्या देखा कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस आया करता था उसकी शुरुआत कहाँ से हो रही थी, हेल्पिंग वर्ब से हो रही थी, तो उसको हम लोगों ने इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया था, ये सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में पढ़ी। लेकिन फ्रेंड्स, आज की बात करें तो आज हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होगा यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस आएगा उसकी शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से होगी। अब बात ये उठती है कि आखिर डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, तो डब्ल्यू एच वर्ड का मतलब होता है क्या, एक ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला शब्द जिसकी शुरुआत या तो डब्ल्यू से होती है या फिर एच से होती है, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ईटीसी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है उसकी शुरुआत व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हुम, ईटीसी इनमें से किसी एक से हो जाए तो हमें क्या करना होगा। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो इसके कुछ एग्जाम्पल लेकर समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने आपसे कहा होता सी Sad to me, और उसके बाद उसने कह दिया क्या, I teach you, ऐसा उसने कहा और वो कह के चली गई। अब इसी बात को अगर मैंने आपको बताया तो मैंने आपसे क्या बताया कि she said to me, I teach you, और उसके शब्दों में मैंने कोई बदलाव नहीं किया तो ये हमारी क्या कहलागी, डायरेक्ट स्पीच कहलागी। अब अगर इसे हमें इनडायरेक्ट करना होगा तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिएगा क्या किया मैंने, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी किया और इस सेड टू को किसने बदल दिया, मैंने टोल्ड में। क्यों बदला मैंने टोल्ड में, क्योंकि हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही थी। इसके ठीक बाद हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, डैट का यूज करना होगा। इसके बाद देखिए कि आई का रिलेशन किससे बनेगा, सी से, क्योंकि वो जो लड़की है वो मुझसे कहती है कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो पढ़ाता कौन है, वो लड़की। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के रूप में क्या रखना होगा, सी। अब आगे बढ़ने के पहले ये समझिए कि रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो हमें क्या करना होगा, इसके टेंस में परिवर्तन करना होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमें पास्ट इंडेफिनिट में बदलकर लिखना होगा। तो सी के बाद हमें स्पीच की कौन सी फॉर्म लिखनी होगी, सेकेंड फॉर्म लिखनी होगी, जो कि क्या होगी, टॉट, टी ए यू जी एस टी, और इस यू का रिलेशन किससे बनेगा, मी से। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, सी टोल्ड मी दैट सी टॉट मी। तो ये थी हमारी क्या, डायरेक्ट स्पीच, और ये हमारी क्या होगी, इनडायरेक्ट स्पीच। अब फ्रेंड्स, अगर इसका जो पार्ट है यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है अगर इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो जाए, ध्यान से समझिएगा, इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूं किससे, हेल्पिंग वर्ब से, और उसने कहा डू आई टीच यू, क्या कहा उसने, डू आई टीच यू, कि क्या मैं तुम्हें पढ़ाती हूं। तो हमारा सेंटेंस देखो ये क्या हो गया है, इंट्रोगेटिव हो गया है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई है, हेल्पिंग वर्ब से हुई है। और ऐसी कंडीशन में देखिए कि यहां पर कौन सा काम हो रहा है, पूछने का काम हो रहा है, तो इस टोल्ड को मैंने हटा दिया और टोल्ड की जगह मैंने यहां पर क्या लिख दिया, आज लिख दिया। इसके ठीक बाद देखिए कि इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए मुझे क्या रखना होगा, इफ या फिर वेदर, दोनों में किसी एक को रखना होगा, बाकी पूरा सेंटेंस तो ऐसे ही बनने वाला था। तो जब हमारे सेंटेंस सिंपल था तो हमारे सेंटेंस का जो ये पार्ट था ना, इनडायरेक्ट स्पीच का, ये नहीं बदला था, ये ऐसे ही था। लेकिन जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया यानी इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होगी तो भी हमारे सेंटेंस का ये पार्ट नहीं बदला। तो बदला क्या, सेट टू को हमने किस में बदल दिया, आज में, और इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए दैट की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, इफ लिख दिया। लेकिन फ्रेंड्स, आज की बात करें तो आज मैं आपसे क्या कहने जा रहा हूँ कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है इसकी शुरुआत डब्ल्यू एच वर्ड से हो जाए, तो ध्यान से सुनिए कि अगर इस लड़की ने मुझसे कहा होता व्हाई डू आई टीच यू, देखिए पहले मैंने सेंटेंस क्या लिखा था, आई टीच यू, दोबारा मैंने क्या लिख दिया, डू आई टीच यू, और अब मैं आपसे क्या बोलने जा रहा हूं, व्हाई डू आई टीच यू। तो हमारा जो सेंटेंस है इसकी शुरुआत कहां से होगी, व्हाई से, यानी डब्ल्यू एच वर्ड से होगी। और ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा कि अब तो ये और इजी हो गया, हमें इस सेट टू को आस्ट में बदलना ही है क्योंकि अभी भी किसका, पूछने का काम किया जा रहा है,
और इस इफ की जगह हमें क्या करना होगा, इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में आए डब्ल्यू एच वर्ड का ही प्रयोग करना है, यानी जो यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड आएगा। अगर यहाँ पर वाई लिखा है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, वाई। अगर यहाँ पर वेयर होता तो वेयर लिख देते, वॉट लिखा होता तो वॉट लिख देते। और इसके ठीक बाद यानी इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हम लोगों ने डब्ल्यू एच का यूज तो किया, और इसके ठीक बाद हमें क्या रखना होगा, सब्जेक्ट को रखकर वाक्य को सिंपल की तरह बनाना होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इस डब्ल्यू एच के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं रखनी होती, आपको पहले क्या रखना होता है, सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब लगे तो लगाइए, और अगर ना लगे तो मत लगाइए। तो सेंटेंस देखिए क्या बनेगा, सी आस्क्ड मी व्हाई शी टॉट मी, यानी सेंटेंस का जो ये पार्ट था ये अभी भी नहीं बदलने वाला। अब इसमें एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें मैं तीनों चीजें आपको एक एक करके दिखाता हूं। ठीक फ्रेंड्स, सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं। अगर मैंने आपसे कहा होता ही सैड टू हर यू इरिटेट मी आई डबल आर आई टी ए टी ई, देखिए आपके पास सेंटेंस है, ही सेड टू हर, किसी लड़के ने किसी लड़की से बात करते हुए, किसी लड़के ने किसी लड़की से बात करते हुए क्या कह दिया, यू इरिटेट मी। अब फ्रेंड्स इसको चेंज करते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पहले ही लिखना होगा, उसके बाद सेड टू को किस में बदलना होगा, टोन में बदलना होगा, फिर रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट जो था उसको कॉपी किया। यहाँ पर देखिए कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से हुई है, सब्जेक्ट से हुई है, तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लिखना होगा, दैट। अब इस यू का रिलेशन किससे बन गया, हर से, और हर का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सी। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, सी। यहाँ का जो सेंटेंस ये हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसको बदलेंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या लिखना पड़ेगा, इरिटेटेड आई डबल आर आई टी ए टी ई डी। और इस मी का मतलब किससे है, ही से है, क्योंकि ये लड़का इस लड़की से कहता है कि तुम मुझे चिढ़ाती हो, तो चिढ़ाती कौन है, वो लड़की, लेकिन किसको, इस लड़के को, तो ही का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या बनेगा, हिम। तो हमारी डायरेक्ट स्पीच थी, इनडायरेक्ट बनी तो क्या बन गई, ही टोल्ड हर दैट सी इरिटेटेड हिम। अब फ्रेंड्स अगर ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होता, देखिएगा मैं अब इसकी बात नहीं करने जा रहा हूं, ये सेंटेंस ऐसे लिखा है, अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हुई थी तो हमें इसको ऐसे बनाना होगा। लेकिन अगर सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होता, वो कहता डू यू इरिटेट मी, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। अब जब भी हमें ऐसी कंडीशन मिल जाए कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो, तो हमें क्या करना होगा, रिपोर्टिंग सब्जेक्ट हमें कॉपी करना ही है, इसके बाद इस सेट टू को चेंज करेंगे तो किस में बदलना होगा, हमें आस्क्ड में, फिर क्या लिखना होगा यहाँ पर, हर, और इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए दैट की जगह मैं क्या लगाने वाला हूँ, इफ। बाकी सारी चीजें देखिए ये ऐसे ही रहने वाली है, क्योंकि इफ के बाद भी हमें सब्जेक्ट ही रखना है, तो हमें यहाँ पर क्या रखना होगा, सी, उसके बाद इरिटेटेड, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, हिम। तो ध्यान दीजिए सेंटेंस का ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल सेम है, यानी जो हमने पहले किया था वही हमने आज भी किया है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया। अब फ्रेंड्स अगर ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार से होता और इस लड़के ने उस लड़की से बोला होता कि व्हाई डू यू इरिटेट मी, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना था वो देखिएगा, फिर से हम यहाँ पर क्या लिखने वाले, ही। आज हमें अभी भी लिखना होगा क्योंकि वो पूछने का ही काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, आज, उसके बाद क्या, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, इस इफ की जगह हमें इसी बाई को कॉपी करना है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए अब हमें रिपोर्टेड स्पीच में आए डब्ल्यू एच वर्ड का ही यूज करना है। इसके ठीक बाद हमें फिर से क्या रखना होगा, सब्जेक्ट, जो कि हमारा क्या था, सी। बाकी सारी चीजें देखिए मैं फिर से कॉपी ही करने जा रहा हूं और किसी भी प्रकार का इसमें कोई अंतर नहीं आने वाला। तो ध्यान दीजिए कि सेंटेंस का ये पार्ट फिर से उसी तरीके से लिखा गया है, हमने इन तीनों स्टेटमेंट में देखे किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया। अब इसमें एक एग्जांपल और लेते हैं जहां पर हम रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस को बदल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो अगर फ्रेंड्स एक सेंटेंस होता है कुछ इस प्रकार से, ही सेज टू हर
Why do you irritate me? अगर ये ऐसा सेंटेंस है तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना होगा? इस आस्क को क्या लिखना होगा? आस्क। उसके बाद क्या आएगा? हर। फिर क्या आएगा? Why? अब यहाँ पर माइंड कीजिए कि अब मैं यहाँ पर इरिटेटेड नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में हो जाए तो हमें इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करना। तो ये सेंटेंस हमारा पहले कहाँ का था? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अभी भी इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना होगा। तो सी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? फिफ्थ फॉर्म। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा? इरिटेट्स। तो सेंटेंस क्या होगा? ही आस्क्स हर व्हाई शी इरिटेट्स हिम। और फ्रेंड्स अगर इसी तरीके से इसमें डब्ल्यूएस को मिटा दूं, मैं सिर्फ यहाँ पर क्या लिखूं? डू यू इरिटेट मी। तो ये सेंटेंस बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? फिर से यहाँ पर इस आस्क के साथ यस को जोड़ देना है और यही काम मुझे फिर से करना होगा, इस इरिटेट के साथ यस को जोड़ देना होगा, सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर सेंटेंस से डू को हटा दिया जाए, इस डू को मैंने हटा दिया, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर ये जो टोल्ड है ये किस में बदल जाएगा? टेल्स में। और क्या लिखना पड़ेगा मुझे? ही टेल्स हर दैट। फिर से देखिए इस इरिटेट के साथ यस को जोड़ दीजिए, सेंटेंस हमारा बन गया कि ही टेल्स हर दैट सी इरिटेट्स हिम। और फ्रेंड्स अगर हमारी रिपोर्टिंग स्पीच फ्यूचर में हो जाए तो ध्यान दीजिए ऐसी कंडीशन में भी हमें इसके टेंस में परिवर्तन नहीं करना होता। यानी अगर हमारा सेंटेंस होता ही विल से टू हर, अगर ऐसा सेंटेंस हुआ और उसके बाद उसने कह दिया कि why do you irritate me? अब अगर इस सेंटेंस को मैं बनाता तो मैं क्या बोलता? He will ask her. He will ask her. उसके बाद क्या आएगा? Why she irritates? क्योंकि हम इसके टेंस में तो परिवर्तन कर ही नहीं सकते। तो आई होप कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।